हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर एक लाइक कर देना, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास इलाहाबाद बैंक का एटीएम है तो आप इसमें एक दिन में दोस्तों कितना पैसा निकाल सकते हैं, इस डेबिट कार्ड का दोस्तों लिमिट कितना होता है, तो वो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। और आप एटीएम मशीन में कैश यानी कि इसमें एक दिन में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या हम इसका लिमिट बढ़ा सकते हैं, तो आइए दोस्तों, इस सब जानकारी को देखने के लिए हमको नेट बैंक में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम नेट बैंक में जाकर देखते हैं कि हम इससे कितना पैसा निकाल सकते हैं एक दिन में, है ना, और इसका लिमिट कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इलाहाबाद बैंक का नेट बैंकिंग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम डालते हैं इलाहाबाद बैंक, ठीक है। अब ये दोस्तों इंडियन बैंक में यानी कि इसका विलय हो चुका है, तो यहाँ पे इलाहाबाद बैंक प्लस इंडियन बैंक दोनों यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रोसेस टू इंटरनेट बैंकिंग, इस पर दोस्तों हम क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है दोस्तों पर्सनल बैंकिंग, इसके बाद कोऑपरेटर बैंकिंग, ठीक है, कोऑपरेट बैंकिंग। तो हम यहां से दोस्तों पर्सनल बैंकिंग इस पर लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। यहां से कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है। अब दोस्तों अपन को यहाँ पे जाना, आप देख सकते हैं एटीएम सर्विस, ठीक है। तो यहाँ एटीएम सर्विस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे जाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ सेट एटीएम कार्ड लिमिट, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं अपना एटीएम कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एटीएम लिमिट है वो यहाँ 25,000 रुपये यानी कि बता रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम है, मतलब जो सबसे ज़्यादा लिमिट है इसका 25,000 रुपया है। तो मतलब आप एटीएम से एक दिन में 25,000 रुपया इस एटीएम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे POS ईकॉम लिमिट, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप यहाँ पे कुछ शॉपिंग करते हैं तो आप यहाँ पे 25,000 रुपये का शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेशनल एटीएम लिमिट, तो इसका 0 है क्योंकि ये दोस्तों रुपी कार्ड है, तो इसमें इंटरनेशनल पेमेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 0 दिया गया है। तो आप इंडिया में किसी भी एटीएम के माध्यम से आप एक दिन में 25,000 रुपये यहाँ से निकाल सकते हैं। हम इसका लिमिट कम कर सकते हैं पर इसका लिमिट 25,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो एक दिन में यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000 रुपये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करता हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।